रहा भेड़िया की थीम ने ऑरियन से, क्या बुर्ज खलीफा पर दिखेगी भेड़िया मूवी की झलक? वरुण धवन और कृति सैनन की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी भेड़िया ने सबको काफी ज्यादा एक्साइटेड किया है। आए दिन इस मूवी की कोई ना कोई अपडेट सबको दीवाना बना ही रही है। अब इस मूवी को रिलीज होने में 5 दिन बचे हैं, यानी कि ये मूवी 25 नवम्बर को रिलीज होने वाली है। इसी के चलते मूवी की टीम ने ऑडियंस से यही कहा है कि हम एक ऐसे टॉपिक को, कहानी को सामने ला रहे हैं जिससे ऑडियंस को ये जरूर लगेगा कि बॉस क्या पैसा वसूल एंटरटेनमेंट दिया है। फिल्मों के गानों ने तो धूम मचा ही दिया है, ट्रेलर ने भी काफी हंगामा मचाया है, जिसके चलते फैंस ने भी अपने सोशल मीडिया पर यही कहा कि ये एक बेस्ट हॉरर कॉमेडी हो सकती है। मूवी की कहानी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की कहानी है, जिसमें वरुण के अंदर घुसता है एक भेड़िया और साथ ही कृति बनी है डॉक्टर अनिका, जो कर रही है भेड़िया का इलाज। वैसे मूवी की टीम ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हम सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में खतरनाक आवाज सुनाई दे रही है जो कुछ कह रही है। ये कहानी है बकरी के साथ बच्चे और भेड़िया की। जब बकरी बाहर जाती है और बच्चों से कहकर जाती है कि मेरे आने से पहले दरवाजा मत खोलना, उसी वक्त वहां पर उन पर नजर रखे हुए भेड़िया आकर बकरी के बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करता है और कहता है दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। वैसे ये सब कुछ देखते वक्त काफी ज्यादा क्लियर होगा। आपको एक और बात बताते हैं कि कृति सैनन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि काउंटडाउन के साथ मूवी के ट्रेलर को बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया और वरुण ने भी अपनी एक्साइटमेंट जताई है। वैसे कृति और वरुण ने धूमधाम से प्रमोशन भी किया और इन्हें देखने के लिए काफी भीड़ भी जमा हुई थी। जिसमें जब उनकी फैन चक्कर खाकर गिर गई, तब वरुण ने उसे पानी पिलाया, उसका हालचाल पूछा, ध्यान रखा, जिससे वरुण के ऊपर और भी ज्यादा प्यार लुटाया गया। जाहिर सी बात है कि वरुण के फैंस मूवी के लिए दीवाने तो होंगे ही। आपको बता दें कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अमर कौशिक, तो अब देखते हैं कि ये मूवी किस तरह से हमें एंटरटेन करती है और कितनी कमाई करके रिकॉर्ड ब्रेक करती है। तो क्या आप तैयार है इस भेड़िया से मिलने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।